भाग्य का समावेश और जीवन का उद्देश्य, यदि ये दोनों मिल जाए तो निश्चय मानिए हमारा जीवन एक दिन बहुत सफलता की ओर अग्रसित हो सकता है। शायद आज ये नवंबर का महीना भी इसी बात को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। बार बार वो आपसे चीख चीख के ये पुकार करता है कि हाँ, ये नवंबर का वो महीना है जो बड़े परिवर्तन की ओर आपको अग्रसित करता है। आप अपने कार्य को कीजिए और शायद इस समय पर वो कार्य ही करना ही सिर्फ भलीभांति परिपूर्णता की ओर नहीं होगा, बल्कि इस समय पर जो दैवीय कृपा है, जो ईश्वरीय कृपा है, वो भी प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक बनती है। कौन सी वो बातें हैं, कैसी वो घटनाएं होंगी, सारे बातों को हम और आप मिलकर के समझने वाले हैं। परंतु हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपका साथ यदि रहता तो हमें वो एक कॉन्फिडेंस रहता है हमारे अंदर कि हाँ, हम जो बता रहे हैं उसे सुनने वाले कोई लोग हैं। और आप यदि इसे सुनते हैं, समझते हैं, तो सिर्फ आप अपने जीवन को अच्छा ही नहीं, बहुत बेहतर बना पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वयं जो राशि के स्वामी बनते हैं, वो होते हैं शुक्रदेव। तुला राशि की बात यदि होती है तो शुक्र देवता सबसे प्रथम इनकी बात होगी, क्योंकि ये आपके राशि के अधिपति बनते हैं। इनका प्रभाव अभी जब नवंबर महीने का प्रारंभ होगा तब ये आपके एकादश भाव, आपके इनकम भाव पर होंगे। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि हमारा संबंध किससे जुड़ गया, धन प्राप्ति की ओर, धन लाभ की ओर हमारा एक सबसे प्रथम प्रयास जुड़ गया। लेकिन जैसे ही 3 नवंबर का डेट आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 3 नवंबर का डेट आएगा, 3 नवंबर से 29 नवंबर तक यही शुक्र देवता आपके आपके एकादश भाव को छोड़ करके आपके द्वादश भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। 12वां घर का है क्या भाई, तो 12वां घर है खर्चों का। और शुक्र कौन है, तो शुक्र है हमारे जो भौतिक संसाधन हैं, जो लग्जरियस हमारी लाइफ है, उसके कारक माने गए हैं। और आपको बता दें कि इस समय पर आप खुल करके इस दिवाली पर आप खर्च भी करने वाले हैं, चाहे कुछ भी। अब देखिए, अपने अपने सामर्थ्यता के अनुसार हम खर्च करते हैं। किसी के पास करोड़ों रुपए खर्च करने का सामर्थ्य है, वो वहाँ तक करेगा। किसी के पास 10-20 रुपए खर्च करने का सामर्थ्य है, वो वहाँ तक करेगा। लेकिन जब भी हमारे शुक्र जाएंगे हमारे द्वादश भाव में, इस समय पर कोई खर्च होने की संभावना, तो खर्च भी अच्छा खर्च बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके राशि के स्वामी जा रहे हैं। हो सकता है कुछ भौतिक संसाधन हमारे घर में हमें जुटाने हों, उसके खर्च हो जाए। हो सकता है 12वां घर हमारा प्रॉपर्टी में निवेश का होता है, तो आप लोग कुछ निवेश करा पाएँ, कोई धन कहीं पर यदि आपको कहीं बैंक में डाल पाएँ, या कुछ न कुछ प्रकार से आपके धन निवेशित होंगे, अथवा कुछ अच्छे कार्य पर इस समय पर खर्च होने की संभावना बढ़ती है। अब इन 3 ग्रहों का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शनि देवता को, कि इस नवंबर के महीने में शनि देवता के द्वारा हमें क्या प्रदत्त होगा, और कैसे ठीक 4 नवंबर के दिन ही शनि देवता मार्गी होकर के और कौन कौन से इवेंट हमारे लाइफ में ला करके देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि शनि देवता आपके पंचम भाव पर है। आपके पंचमाधिपति का पंचम भाव पर होना प्रारब्ध के कर्मों का प्रतिफल दिलाना, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जो आपने प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल मिलेगा। अब ये वक्री अवस्था में थे, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि चतुर्थ भाव का भी परिणाम आपने देखा। बहुतों ने इस समय पर प्रॉपर्टी भी बनाया, हमारे कई लोगों से बात भी हुई है जो हमसे ये कंसल्ट करते हैं हमसे। वो जब हमने उनसे कहा कि भाई आपको चतुर्थ भाव का प्रतिफल मिल रहा है, तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हमने प्रॉपर्टी बनाया है या फिर कम से कम एग्रीमेंट किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी समय पर अपने प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। कारण ये होता है कि यदि यहाँ गोचर अनुकूल है और बर्थ चार्ट में यदि वहाँ पर प्रतिकूल है, तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो 100% प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, इसका मतलब जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा में वृद्धि हो सकती है। दूसरे तौर पर प्रारब्ध का प्रतिफल मिलेगा। अपने संतान के लिए आप कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि कर्म के कारक, कार्य के कारक शनि देवता है। अपने बच्चों के लिए आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। पंचम भाव वो सब डिज़ायर है हमारे, जो कभी हमने सोचा था, हमने कभी चाहा था, वो सब प्राप्त हो पाएगा। प्राप्त हो पाएगा मतलब सिर्फ नवंबर की ही बात नहीं, शनि देवता भी बहुत लंबे अवधि तक रहने वाले हैं आपके पंचम पे। इनकी दृष्टि अब जो पड़ रही है आपके इनकम भाव पर, तो इनकम भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इनकी दशम दृष्टि पड़ती है सीधे आपके धन भाव पर, तो धन की संभावनाओं को बढ़ाना, कहीं से धन प्राप्त नहीं हो रहा है वहाँ धन निकल करके आना, हमारे नौकरी में हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर प्रमोशन होना। कारण कि शनि देवता स्वयं नौकरी के कारक माने गए हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा।
अब विशेष बात यह होगी कि इन शनि का प्रभाव तो हमने समझा, अब इसी नवंबर महीने में एक और बहुत अच्छा प्रभाव होगा, गुरु राहु के चांडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी। इसका विशेष प्रभाव जो आपके जीवन पर थे, आपके सप्तम भाव पर इसका नेगेटिव प्रभाव बना हुआ था। अब जैसे 30 अक्टूबर को राहु देवता का गोचर परिवर्तन होगा, गुरु देवता मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद मतलब नवंबर महीने से ही ये विशेष प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा कि व्यापार से जुड़ा हुआ यदि कोई बाधाओं का सामना हमने किया है, वहाँ से एक मुक्ति मिलने का एक सोर्स बन सकता है। दांपत्य जीवन में यदि कोई विपत्तियों का सामना हमने किया है, आपसी पति पत्नी के मध्य यदि तनाव की स्थिति है, किसी कारण को लेकर कई लोगों के जीवन में कोर्ट केस संबंधी कार्य चल रहे हैं, तो उन सबसे निपटारा मिलने का एक सुंदर संकेत मिल जाएगा इसी नवंबर महीने से प्रारंभ होकर के पूरे अप्रैल 2024 तक के गुरुदेव यहीं रहेंगे। इस स्थिति से दाम्पत्य और व्यापार के दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा। क्योंकि दशम भाव से दशम भाव होते हैं हमारे सप्तम भाव, तो जो लोग कैरियर में है, प्रोफेशन में है, उनके लिए भी ये ऐसा मान सकते हैं कि गुरु राहु के चांडाल युग से हमें मुक्ति मिल गई है। अब इसका जो नेगेटिव प्रभाव और मिल रहा था, जो हमारे इनकम को अवरुद्ध करने का एक प्रभाव हमें दिख रहा था, तो उनके मान सकते हैं कि इनकम में एक वृद्धि हो सकती है, इनकम में एक बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि गुरु का अब स्वतंत्र दृष्टि गुरु की आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी। गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी, ये हो गया आपके लग्न पर। तो जब गुरु की दृष्टि ऑलरेडी लग्न पर पड़ेगी, तो गुरु देवता स्वयं भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य का समावेश बन सकता है। हाँ, दूसरी तरफ आपको थोड़ा सतर्क ये भी रहना होगा कि गुरु देवता की दृष्टि जब लग्न पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वभाववश देवगुरु बृहस्पति तो भाई भाग्य के कारक हैं, देवता हैं, लेकिन लग्न पर दृष्टि है, तो लग्न कौन हो गया, लग्न हमारा शरीर हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव नेगेटिव प्रभाव ना है, इसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। गुरु के पास जो दृष्टि है वो आपके तीसरे घर पर अब स्वतंत्र दे पाएंगे, क्योंकि राहु से मुक्ति मिल गई है, तो पराक्रम साहस इस समय पर अच्छा होगा। हम अपने पराक्रम के द्वारा अपने निर्णय क्षमता तक पहुंच सकते हैं, हमारे जो कार्य होंगे उसके द्वारा हम कुछ अच्छा निकाल करके अपना और दूसरों का भी हित कर पाएंगे, इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तो दूसरों का हित करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है दूसरों का हित करना, इस समय पर आप वो भी कर पाएंगे, अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, दूसरों के लिए भी आप कुछ बेहतर प्रयास कर पाएंगे। शनि और गुरु को हमने समझा, अब सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं राहु को। हमने अपने पूर्व वीडियो में इस बात की जिक्र की थी, आपने सुना होगा, नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर के एक बार जरूर देखिएगा कि राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर है। हमने कहा था कि राहु का प्रभाव जब छठे भाव पर आता है तो ये राहु का अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। उस हिसाब से आपके रोग यदि पहले से बने हुए हैं, उससे रोग मुक्ति पाने के लिए आप सिर्फ इसी नवंबर महीने से ही नहीं, अगले 18 महीने तक आपके लिए एक अच्छा अवसर दिख सकता है। यदि आप अपने कर्जों से परेशान हैं, यदि आपके लोन बहुत हैं, तो वहां पर भी आप ज़्यादा प्रेशर होकर के आप वहाँ काम कर पाएंगे, उसका विकल्प ढूंढ पाएंगे कि कैसे मैं अपने कर्जों से मुक्ति पा सकूं, उसके लिए भी आप काम करने वाले हैं। यदि आपके शत्रु हैं, कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, या ऐसा कोई व्यवहारिक कार्य चल रहा है, तो अगले 18 महीने में राहु देवता वहां से भी कुछ अच्छा निकाल करके आपके जीवन में प्रदर्शित कर पाएंगे। चूँकि ये स्थान हमने कहा जहाँ पर राहुदेव विद्यमान है, वो स्थान आपके नौकरी का भी होता है, मत भूलिएगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से तो आपने समझा गुरु अनुकूल है, लेकिन नौकरी के दृष्टिकोण से भी गुरु जब मतलब राहु का प्रभाव आएगा, तो जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए एक अच्छा अवसर, स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, क्योंकि राहु परिवर्तन कराते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। यदि आप विदेशों में कार्य करना चाहते हैं, तो राहु के पास सीधी जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर है, तो विदेश संबंधी कार्य जोड़ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनके लिए राहु अनुकूल ही होगा। कुल मिलाकर के परिवर्तनकारी आपके कैरियर प्रोफेशन में आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है, या तो स्थान परिवर्तन करें, कोई देश परिवर्तन करें, या फिर कोई राज्य भी परिवर्तन इस समय पर कर सकता है। कुल मिलाकर के आपके मेहनत के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में वर्तनी संजोग आपको दिखने को मिल सकता है। अब उस ग्रह को समझते हैं जो ग्रह तीन ग्रहों का समावेश लेकर के भाई आपके अपने राशि पर विद्यमान है। तुला राशि पर ही तीन ग्रहों का संजोग चल रहा है, त्रिग्रह योग का प्रभाव है आपके ठीक लग्न पर।
जहाँ पर सूर्य देवता, मंगल देवता और बुध देवता एक संग प्रभावी बने हुए हैं। ये स्थान किसका है? तो ये स्थान है शुक्र का, और बैठे कौन है? तो सूर्य। तो सूर्य के लिए ये स्थान नीच राशि मानी गई है, तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी गई है। उस हिसाब से हमने पहले भी कहा था कि थोड़ा स्वास्थ्य के लिए आपको सजग रहना है। स्वास्थ्य एकाएक अच्छा चलते हुए आपको नजर आएगा, एक आध दो दिन के लिए बीच में एक नॉर्मल भी यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ सकती है तो उसके लिए भी आपको सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। साथ में बुध और मंगल है, तो बुध राजकुमार है ग्रहों के, और सूर्य के राजकुमार के संग जब सूर्य मिल जाते हैं तो उनको अधिक बल मिल जाता है, और यही नहीं साथ में मंगल भी विद्यमान होंगे। जैसे ही 6 तारीख का दिन आएगा, 6 नवंबर को बुध देवता आपके लग्न को छोड़ करके आपके, देखिए ध्यान समझिएगा, धन की वृद्धि होने वाली है इस दिवाली में, तो यहाँ पर बुध देवता आपके लग्न को छोड़ करके आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। दूसरी ओर 16 नवंबर को सूर्य देवता भी आपके धन भाव पर चले जाएंगे, और तीसरी ओर मंगल देवता भी आपके धन भाव पर गोचर कर जाएंगे। मतलब इतने तीनों महत्वपूर्ण ग्रह हो गए, और एक ग्रह तो आपके भाग्य के स्वामी ही हो जाते हैं बुध देवता। क्यों? क्योंकि आपके भाग्याधिपति बुध ही बनते हैं। तो अब ये मानिए कि ये 6 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक धन का साथ और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, मतलब भाग्य से धन की प्राप्ति का एक सोर्स बन सकता है। दूसरी ओर 16 नवंबर से लेकर के आगे समय तक के पूरे नवंबर महीने में सूर्य यहाँ पर भी विराजमान रहेंगे, साथ में मंगल भी हैं, अच्छा प्रभाव देगा। मंगल कहाँ के स्वामी है? तो भाई मंगल आपके सप्तमेश है, मतलब आपका व्यापार से धन लाभ देंगे, और साथ ही दीजिए अब धन के स्वामी का धन भाव पर होना इसे बहुत अच्छा संकेत मानेंगे, मतलब वित्त मंत्री वित्त भाव पर है, उस भाव को कभी खराब नहीं करेगा। तो यदि आप बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं या बैंक संबंधी कोई कार्य है वहाँ पर आप कर सकते हैं। संचित पूंजी माना गया है हमारे द्वितीय भाव को, तो धन संग्रह की स्थिति भी यहाँ पर अनुकूल होगी। कोई बहुत बड़े कोई खर्चे और हानि की ओर प्रदर्शित या इस महीने को आपके लिए नहीं रहेंगे, दोनों का संबंध यहाँ पर अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रहों का संबंध अनुकूल स्थिति पर है। जैसे ही हमारा ये 10 नवंबर आता है, भगवान इसका धनवंतरी देवी का पूजा, धनवंतरी भगवान का पूजा होगा, धनतेरस माना गया है, कुबेर जी की पूजा करते हैं हम, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए 12 नवंबर का समय होगा। इस दिन माँ लक्ष्मी जो कि धन की अधिष्ठात्री होती है उनका पूजा करके हम अपने जीवन पर धन और संपन्नता को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे ही इसके बाद समय आएगा 13 नवंबर का सोमवती अमावस्या भी पड़ जाएगा, और ठीक 23 नवंबर का वो डेट होगा जिस तारीख को देव उठनी एकादशी हो जाएगा। विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य के लिए, गृह प्रवेश के लिए, गृह आरंभ के लिए जो पिछले 4 महीने से जो समय बंधे हुए थे अब खुल करके सामने आएंगे, अर्थात यहाँ से भी एक मांगलिक कार्य की अनुभूति आपको करा पाएंगे। ओवरऑल ये पूरा नवंबर का महीना किसी प्रकार से कोई बहुत बड़े नुकसान के और संकेत नहीं करते, बल्कि संपन्नता, आपने देखा 3 ग्रहों का प्रभाव प्रारंभ होने वाला है, तो एक संपन्नता मिल सकता है। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से इसे अनुकूल मानेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे कौटुंबिक जन का होता है, तो कुटुंब से इस समय पर प्रेम रहेगा, आपसी सूझबूझ से हम कार्य करेंगे। ये विशेष यही आपको समझना है कि ये दिवाली का जो महीना है वो विशेष ऑफर मिले हैं आपको ग्रहों के द्वारा, और इस ऑफर को समझ करके यदि हम कार्य करते हैं, इस ऑफर को यदि हम स्वीकार करते हैं, तो यकीन मानिए दिवाली का यह समय माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत बरसने वाली है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब हमने कुछ तारीखें भी आपके लिए निकाला हुआ है, हमने प्रत्येक राशियों के लिए तारीख निकाले थे हमने, जिसमें हमने आपके हिसाब से जो आपकी तुला राशि के हिसाब से जो तारीखें होंगी आपके लिए शुभ तारीखें होंगी उसके अनुसार 6 नवंबर, 7, 8, 12, 13, 16 और 17 नवंबर आपके लिए शुभ और कल्याणकारी मंगलकारी ये तारीखें होंगी। इसके विरुद्ध जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी 1 नवंबर, 9, 10, 18, 19, 20, 26, 27 और 28 नवंबर आपको सतर्कता से परिपूर्ण रखना है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो अपने कार्य को उस दिन आप टाल सकते हैं, उसके बाद भी यदि आवश्यक कार्य है तो अपने इष्ट देवता की कृपा लेकर के, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य को आप प्रारंभ कीजिए। निश्चय मानिए ये नवंबर का महीना कोई विशेष परिवर्तन की ओर आपको अग्रसित कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का जो प्रयास है वो सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक देना और कमेंट देना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।